जिसमें आपने निर्देश दिए हैं? सुमित्रा पटेल हेड कांस्टेबल के साथ दिनांक 29/30 सितंबर की रात को जब वो सरकारी ड्यूटी के लिए जा रहे मारपीट, जैसी घटना की सूचना मिली तत्काल पुलिसकर्मियों ने और वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। उस समय हेड कांस्टेबल की स्थिति थी वो सीरियस थी, वहाँ प्रारंभिक इलाज के बाद से KGMC में शिफ्ट किया गया। अब वो उसकी मेडिकल स्थिति अच्छी है और लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है और जैसे ही वो बोलने की स्थिति में आएगी तो हम लोग उससे बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त जो वहाँ फॉरेंसिक एविडेंसेस मिले हैं उसको एकत्र किया गया है, उसका परीक्षण भी कराया जा रहा है। अभी तक के विवेचना से किसी तरह के सेक्सुअल ऑफेंस या असॉल्ट कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन हर एक पहलुओं पर विचार चल रहा है। और इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय सभी निर्देश प्राप्त हुए हैं और उनका सभी निर्देशों का अनुपालन पुलिस विभाग के द्वारा और रेलवे विभाग के द्वारा कराया जाएगा और रेलवे विभाग के जो हमारे GRP अनुभाग के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं लगातार हर एक पहलू पर विचार कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ही जैसे ही हमारे कांस्टेबल बोलने की स्थिति में आती है और या कोई कंचिंग एविडेंस मिलेगा हम लोग इस पता पास तो सर आप अस्पताल आए हैं या क्या कुछ निर्देश दिए हैं यहाँ पर आपने? हम लोग तो हमारे कर्मचारी उससे मिलने आए थे, यहाँ की व्यवस्था देखने आए थे। हमारे साथ सचिव गृह भी हैं, उन्होंने अस्पताल के लोगों को निर्देश दिए हैं कि उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था कराई जाए और किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। और इस संबंध में यहाँ के डॉक्टर साहबान से भी बात की गई है, उनका कहना है कि हॉस्पिटल की स्थिति अब स्टेबल है और खतरे से बाहर है, लेकिन हम सचिव के द्वारा यही बताया गया कि यहाँ उनकी सुरक्षा तथा अन्य सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए जिससे कि उनके चिकित्सीय व्यवस्था में कोई व्यवधान न हो।